अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह दो डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शंस को कंबाइन करके हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम वाईफाई कनेक्शन और मोबाइल के डाटा के कनेक्शंस को कंबाइन करेंगे। अब देख सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम वाईफाई कनेक्टेड है, PTCL का कनेक्शन है और इसकी स्पीड जो है वो हम IDM की डाउनलोडिंग से देख सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 220-230 तक की स्पीड आ रही है। तो अब हम स्पीडीफाई को ओपन कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है वो मैंने डाउनलोड कर लिया था, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें वही मेरा जो वाईफाई का कनेक्शन है वो शो हो रहा है और दूसरा कनेक्शन जो है वो इस टाइम जो है वो एम्प्टी है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने मोबाइल को USB के थ्रू अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मोबाइल में जाके हम डेटा कनेक्शन ऑन करेंगे और उसके बाद USB टीथरिंग को ऑन कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दो कनेक्शन शो हो रही हैं, एक वाईफाई का और एक ईथरनेट का, जो कि हमने USB की टीथरिंग की है अपने मोबाइल के डाटा को। PDFI के इस आइकन को ऑन कर लेते हैं और वेट करते हैं तब तक ये जो है वो अपना कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर लेता है। आप देख सकते हैं एक आइकन उसका कलर चेंज हो चुका है, अब और दूसरे आइकन का भी कलर चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों कनेक्शन जो हैं वो अब इस्टेब्लिश हो चुके हैं। अब हम दोबारा से अपने IDM को ओपन करके और स्पीड देख लेते हैं। ये आपके सामने है, इस टाइम जो स्पीड हमारे पास आ रही है वो 800 से 1 MBPS तक है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो हमारी स्पीड थी वो बहुत कम थी और अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।